फ्रेश न्यूज की सारी खबरें आप तक। सहादरा की साइबर थाने की टीम ने एक ऑनलाइन जालसाज को गिरफ्तार करके सफलता हासिल की। सहादरा जिला के DCP रोहित मीणा ने रविवार को मीडिया को बताया कि एक शिकायतकर्ता अर्जीना के बयान पर एक मामला दर्ज किया था साइबर थाने ने, जिसकी प्राथमिक संख्या नंबर 98/23 के तहत, जिसमें शिकायतकर्ता ने बताया था कि एक पेटीएम पर एक बेहतरीन ऑफर के संबंध में एक फ़ोन कॉल आया था। जैसा कि कॉलर ने बताया था कि शिकायतकर्ता को के एक रशडेक्स ऐप डाउनलोड किया, इसके अलावा कॉल करने वाले ने उसे इसमें मोबाइल नंबर के पहले 5 अंक भरने के लिए कहा और शिकायतकर्ता ने अपने 5 अंकों के मोबाइल को अपने UPI पिन से 2 बार भरा। अचानक उसे बैंक से 2 बारी में 198,208 रुपए की रकम कट गई, जिसके बाद मामला दर्ज किया था। मामले को सुलझाने के लिए एक टीम बनाई गई थी। सहादरा के ऑपरेशन सेल के ACP के निर्देश पर सहादरा साइबर थाने के SHO कम ACP संजय कुमार के नेतृत्व में एक टीम बनी। इस टीम के अंदर महिला SI श्वेता शर्मा, ASI राखी, हेड कांस्टेबल दीपक, हेड कांस्टेबल अजीत, हेड कांस्टेबल राजदीप और कांस्टेबल मनीष इस टीम में शामिल थे। पुलिस टीम ने जांच चालू की और जांच के दौरान पता चला कि बैंक खाता ओडिशा का है और धोखाधड़ी करने वाला व्यक्ति भी गोपी बांध देवघर झारखंड से कॉल कर रहा है। इसके बाद नंबर पर कॉल करने का प्रयास किया। कॉलिंग नंबर के CDR और के विश्लेषण के बाद यह पाया कि कॉलिंग नंबर अभी भी थाना सारा देवघर झारखंड के क्षेत्र में सक्रिय था। इसके बाद SI श्वेता शर्मा ने पुलिस टीम के साथ उक्त सक्रिय फोन नंबर के स्थान पर छापेमारी की और आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसकी पहचान परवीन पोदार, जिसकी उम्र 21 वर्ष, पुत्र स्वर्गीय सुनील पोदार, निवासी ग्राम गोपीवान, थाना सारत देवघर झारखंड का है। आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसे पूछताछ करने पर आरोपी ने अपना अपराध कबूल किया। आरोपी के कब्जे से अपराध को अंजाम देने में इस्तेमाल करने वाला एक मोबाइल फोन, अपराध में प्रयुक्त 2 SIM कार्ड बरामद किए हैं।